कल मैंने आपके साथ दिवाली स्पेशल दो लेयर वाली, दो कलर वाली बहुत ही ज़्यादा सस्ती सी मिठाई की रेसिपी शेयर की थी, जो बनाने में बहुत आसान थी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और घर के बहुत ही कम सामान से बनी थी। आज भी मैं आपके साथ एक और मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम सूजी से बनाने वाले हैं। एकदम हलवाई जैसे बनाएंगे, सॉफ्ट भी होगी और मॉइस्ट भी होगी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में एक चम्मच घी डाला है और इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा कप सूजी। यहाँ पर आपको बारीक वाली सूजी लेनी है, मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ ये एकदम फाइन सूजी है। बारीक सूजी लेंगे तो उससे क्या है, सब जो बर्फी है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर घी अच्छे से मेल्ट हो गया, फिर इसमें ऐड कर देंगे सूजी और अच्छे से इसको 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। ध्यान इतना रखना है कि सूजी का जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बेसन। बेसन पहले ही ऐड करना था घी के बाद, लेकिन मैंने अभी बाद में कर दिया। और सूजी को भी अभी अच्छे से रोस्ट करना है, तो 7-8 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गैस की आँच को पूरी तरह धीमा रखना है और इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए सूजी को भुनना है। ध्यान रखिएगा कहीं से भी सूजी का कलर चेंज ना हो, जैसा कलर रहता है सूजी का वैसा ही रहना चाहिए। और ये देखिए सूजी जो है 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया, तो अच्छे से ये भुनकर तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है इसमें मलाई ऐड करने की। तो मलाई क्यों ऐड कर रहे हैं, मावा का खर्चा बचाने के लिए, क्योंकि हर घर में मावा अवेलेबल नहीं होता है, बनाने में भी टाइम लगता है। तो मावे जैसा टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच मलाई। फ्रेश मलाई डालेंगे। आप अगर 1 कप सूजी से बर्फी बना रहे हैं तो आप 2 से 3 चम्मच मलाई डाल सकते हैं। अब मलाई को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई डालने से सूजी का कण कण अच्छे से खिल जाता है और अच्छा, मतलब जैसा सिंगल कण होता है ना, वो भी एकदम डबल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारी बर्फी बनकर तैयार होती है। और इसके साथ ही अगर आपके पास अगर मावा है तो आप इसमें मावा डाल दीजिएगा, फिर मलाई की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच मिल्क पाउडर। तो अभी मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया है, गैस को बंद करने के बाद ही आपको मिल्क पाउडर इसमें ऐड करना है। और बिल्कुल भी इसमें मिल्क पाउडर के गुठले नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जैसे मैंने भी मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें मिल्क पाउडर के गुठले नहीं दिख रहे हैं, इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों, और सूजी की बर्फी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अभी तो दिवाली है तो सूजी की बर्फी, सूजी के लड्डू, बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो आप भी एक बार ये बर्फी बनाकर ट्राई कीजिएगा, मेरी तरह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपके घर वालों को। तो चलिए ये हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है, अब चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप शुगर, मतलब शक्कर। तो शक्कर के जो दाने हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से खाली रखा। और 1/2 कप शक्कर के लिए इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप पानी। तो 1/2 कप शक्कर लेना है, 1/4 कप पानी लेना है और अच्छे से पहले चीनी को मेल्ट होने देंगे। लो फ्लेम रखिएगा गैस की। शक्कर के पानी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे गुलाब जामुन की चिपचिपी चाशनी बनती है ना तेल जैसी, बिल्कुल वैसी ही चाशनी इसकी बनाकर तैयार करेंगे। जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, मेरी आप फिंगर को ध्यान से देखें तो जो तार बनता है और वो टूट जाता है, मतलब पूरी तरह से एक तार नहीं बन रहा है, मतलब ये जो चाशनी है वो चिपचिपी है, एकदम आपको तेल जैसी फील होगी। तो इसी तरह की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब मैंने सूजी वाली कढ़ाई गैस पर रख दी है, इंडक्शन पर रख दी, और फिर इस पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसके बाद इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अभी ये जो हल्का सा ठंडा हो गया होगा तो इसको हल्का सा वार्म कर लेंगे वापस से, और फिर जो हमने चाशनी बनाई है शक्कर की, वो चाशनी हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे और अच्छे से इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। हल्का सा ये गाढ़ा हो जाएगा तब तक पका लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक इसको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फिर चाशनी जो है एकदम 2 तार वाली हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि जो बर्फी है बहुत हार्ड बनेगी, मतलब खाने में तो सही लगेगी लेकिन टेक्स्चर उनका थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए ओवर कुक बिल्कुल भी ना करें। हल्का सा मैंने इसमें घी डाल दिया है ताकि बर्फी में जो है शाइन अच्छी आएगी। और आपने देखा है सिर्फ 2 चम्मच घी मैंने इसमें डाला है, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी इसका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा है। तो लीजिए मैंने ये सारा मिक्सचर एक प्लेट में सेट कर लिया है, कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे।
और आप इस पर चाहें तो सिल्वर वर्क लगा सकते हैं या फिर मेरी तरह ड्राई फ्रूट से इसको सजा सकते हैं। तो जो भी मनपसंद के आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनको लेकर उनको सजा दीजिए और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट में ही ये सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डायमंड कट में बर्फ़ी को कट कर लिया है और देखिए कितने अच्छे से इसके जो है पीस निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल भी टूटा नहीं है, बिखरा नहीं है, जैसा डायमंड का हम बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही पीस बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरह से देखिए एक एक करके मैं इसके पीस निकाल रही हूँ। चाकू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसानी से ये निकल आते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा शानदार ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है और मेहमानों को भी बहुत पसंद आती है। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाऊँ तो आप देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं और बहुत ही अच्छे से, देखिए एकदम सॉफ्ट है, दानेदार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बर्फ़ी है। तो दिवाली पर आप एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सबको। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।